हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि आपका आउटर शेल और आपका यूनियन के बीच में डिफरेंस क्या है। जो आपके स्केचअप के सॉलिड टूल्स हैं, आउटर शेल एंड यूनियन, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने एक्सट्रूड किया, पुश पुल किया बेसिकली, और मैंने यहाँ पे एक ऑफसेट ले दिया। और ऑफसेट लेने के बाद मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अंदर, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, और दो रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ इससे ज्वाइन करके, कुछ इस तरीके से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं पुश कर देता हूँ इसे, मान लो इतना, और इसको भी इतना ही पुश किया और इसको भी इतना ही पुश किया। इस तरीके से मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, ट्रिपल क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप बना दिया, और इसकी मैंने दो कॉपी कर ली ताकि मैं डिफरेंसेस आपको बता पाऊं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरीके से, और इसको मैंने पुश पुल कर दिया, और इसको भी ट्रिपल क्लिक करके मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, इसको भी मैं यहाँ पे 2x करके कॉपी कर देता हूँ। तो अब मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं एक्सरे करके देख लेता हूं ताकि मेरे को अंदर के ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे विजिबल हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपका आउटर शेल इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगा और आपका यहाँ पे यूनियन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, मान लो मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, नहीं चलो इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे साइड बाय साइड, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस दिखे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोनों को और कर देता हूं आउटर शेल, तो क्या होगा, जो अंदर वाली एंटिटी थी जितनी भी, ये वाली, उसको भी इसने मर्ज कर दिया और एक आउटर बाउंड्री को एक बाउंड्री लेते हुए इसने एक शेल बना दिया इस तरीके से। ये तो काम करेगा आउटर शेल। और अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनियन करते हो, तो बेसिकली वो इस छत को मिला देगा इससे, ठीक है, ये एक बॉक्स बना देगा, बट अंदर की जो एंटिटी है वो एज इट इज रहेंगी, वो जो अंदर का स्पेस है वो एज इट इज ही रहेगा। ये डिफरेंस है आउटर शेल में और आपका यूनियन करने में, ठीक है। अब मैं चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने क्या किया, इस यहाँ पे जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद मान लो मैं इस पे एक मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के मैं एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, इसके यहां तक एक स्पेस दे दिया और इसको इरेज कर दिया यहां से, ठीक है। और अब कर देता हूं उसे अनहाइड। अब देखते हैं कि इसको इसके ऊपर किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये मैंने डिलीट किया। इसके ऊपर किस तरीके से आउटर शेल और आपका यूनियन रिएक्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा से मैंने एक्सरे फॉर्म किया। अब अगर आप देख पा रहे हो, ये आउटर शेल, अब ये आउटर शेल नहीं रहा, यहां पे देखो ये बाउंड्री तो अंदर की तरफ आ गई, यहां पे होल हो गया। अगर आप दोनों को क्लिक करके आउटर शेल करोगे ना, तो वो यूनियन की तरह वर्क कर जाएगा अभी, कि इसको मिला दिया इसने। अब इन दोनों में, यूनियन में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यूनियन भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, ये भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये करता है आपका, अगर आपका होल हो तो, अगर क्लोज बाउंड्री हो तो आपका आउटर शेल इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि इसको एक सॉलिड बना दिया, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करूं इसे, मान लो मैंने अंडू किया, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने इसी को सिलेक्ट किया, मूव कर दिया यहाँ पे, कॉपी कर दिया, ठीक है, इसको मैं दोबारा से सॉलिड और यूनियन कर देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने क्या किया, इसको दोबारा से राइट क्लिक और हाइड किया, और मैं अब क्या करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और इसको मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको पुश करके इसको कर देता हूँ इरेज, और इस तरीके से आ गया यहाँ पे, और इसको मैं अब यहाँ से अनहाइड करता हूँ, अनहाइड ऑल, ये आ गया मेरा, ठीक है, एक्सरे किया। अब आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली टू बाउंड्री हो गई है, एक तो हो गई है इंटरनल जो आउटर, बट इसकी एक्स्ट्रा बाउंड्री की वजह से ये आउटर शाल में आपका वो मेजर ही नहीं कर पाएगा। इसे होगा क्या कि अगर आप दोनों को क्लिक करके आउटर शेल पे क्लिक करोगे, तो ये वार्निंग दे देगा, वन और मोर ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज आइदर नॉट ए सॉलिड और इज लॉक्ड, ठीक है, आप नॉन सॉलिड को आपको डिसलेक्ट करो, अब नॉन सॉलिड आपके पास नहीं है, बट जो ये वाला पार्ट है आपका एक्स्ट्रा वाला जो सॉलिड से बाहर है, उसने उसको एज ए नॉन सॉलिड लिया है, तो इस डायग्राम को वो ना तो आउटर शेल कर पाएगा ना यूनियन कर पाएगा, दोनों में ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस होगी। तो ये था आपका आउटर शेल और यूनियन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करना मत भूले, और नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज पे डाउट है, तो वो मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बता दूं, आप वो वीडियो बनवा सकते हैं बेसिकली। ओके।